पुलिस ने एक फोटो जर्नलिस्ट के इल्जाम के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है कि यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के चौकीदार और वार्ड के अमले ने उस पर हमला कर दिया। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, नगिन पुलिस स्टेशन ने उवैद डार मुख्तार की शिकायत की बुनियाद पर एक FIR दर्ज की, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के वॉच और वार्ड के अमले ने उनके साथ बदतमीजी की। ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया जब फोटो जर्नलिस्ट ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी तेज धार हथियार से मारा पीटा। मुख्तार ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने लोहे के तेज धार हथियार से रोका और उस पर से हमला भी कर दिया, जिसके नतीजे में मेरी बाएं आंख की बिनाई को चोट पहुंची और मेरी बाएं आंख को नुकसान पहुंचा। जब वो कश्मीर यूनिवर्सिटी दरगाह हजरत बल के अहाते में काम के लिए कुछ तस्वीरें छपा रहा था।